हलवारा जाना था मोगा में ही विमान दुर्घटनाग्रस्त हो गया मेरठ के रहने वाले इंडियन एयरफोर्स के जंवास पायलट अभिनव चौधरी की एक विमान हादसे में मौत हो गई है बीती रात वो सूरतगढ़ से मिग ट्वेंटी के साथ उड़ान पर थे और पंजाब के मोगा में उनका विमान क्रैश हो गया ये बात करीब 11 से 12 बजे के बीच की है इसके बाद जब इंडियन एयरफोर्स को ये पता लगा कि विमान गायब हो गया है उसकी तलाश की गई और उस विमान का मलबा पंजाब के मोगा में मिला है उसी विमान में अभिनव का शव भी मिला है और सुबह करीब चार बजे अभिनव के पिता को इस पूरे हादसे की जानकारी दी गई उसके बाद से पूरा परिवार सदमे में है शोक में है गमजदा है क्योंकि अभिनव अपने माता पिता के इकलौते बेटे थे परिवार में एक छोटी बहन है माता पिता के अलावा उनकी पत्नी सोनिका हैं सोनिका से डेढ़ साल पहले ही उनका विवाह हुआ था और समाज को एक नजीर देते हुए उन्होंने केवल एक रुपये का दहेज लेकर ये शादी की थी पूरे इलाके में अभिनव का नाम बहुत पहले से चर्चा में है वो जब इंटर कर चुके थे देहरादून से उसके बाद ही उनका एनडीए में चयन हो गया और वो पायलट बन गए स्क्वाडन लीडर के तौर पर वो इस समय राजस्थान के सूरजगढ़ में तैनात थे और इंडियन एयरफोर्स के जावाज अफसरों में गिने जाते थे लेकिन बीती रात हुए हादसे में वो शहीद हो गए और अब पूरा परिवार टूट चुका है पिता बहुत बुरी तरीके से आहत हैं और उनको इस तरह के किसी हादसे की उम्मीद तक नहीं थी कि उनके जीवन में कभी ऐसा समय आएगा कि उन्हें अपना बेटा खोना पड़ेगा फ़िलहाल पूरा परिवार उनके पार्थिव शरीर के इंतजार में हैं पड़ोसी रिश्तेदार उनके सगे संबंधी जितने भी लोग हैं वो सब यहाँ आ चुके हैं मेरे पीछे आप जो घर देख रहे हैं ये अभिनव चौधरी का ही घर है और मैं वहीं पर खड़ा हुआ हूँ मेरठ से भारत समाचार के लिए मैं नरेंद्र